नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से, जहां भोले भाले लोगों के नाम लोन स्वीकृत कराकर 20 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का शहडोल पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एडिशनल SP मुकेश वैस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पति पत्नी भी शामिल है। मास्टरमाइंड अमित जैन के द्वारा षड्यंत्र रचकर करीब 13 लोगों के नाम से 20 करोड़ का लोन स्वीकृत कराया गया और पूरी रकम हड़प ली गई। लोगों के साथ बड़े पैमाने पर ठगी की गई, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि जिन लोगों के साथ ठगी की गई है उसमें ज्यादातर लोग शिक्षक हैं। इस पूरे मामले में और भी आरोपी अभी सामने आ सकते हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान एडिशनल SP ने बताया कि ये सभी 6 आरोपी, जिसमें मास्टरमाइंड अमित जैन द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों के नाम पर लोन निकाला जाता और जिसमें कुछ बैंक कर्मी की शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जब आरोपियों को पेश किया गया तो वहां इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड अमित जैन ने पुलिस के सामने पत्रकारों को ये बताया कि पुलिस ने कोतवाली के अंदर उसके साथ बहुत बेरहमी से मारपीट की है, उसकी पत्नी को भी बहुत मारा गया है। आरोपी का कहना है कि उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है, उसे जबरन फंसाया गया है। उसने चोट के निशान भी पत्रकारों को दिखाए। मैं नमकीन का काम है सर मेरा, मैं हाथ जोड़ता हूँ मीडिया वालों, प्लीज हमको सपोर्ट करो, प्लीज हमको सपोर्ट करो। ये इधर आपका क्या कहना है? उपस्थित हुए 29 तारीख को और उनने ये बताया कि साहब हमारे साथ में विभिन्न बैंकों के माध्यम से अमित जैन और उनके साथियों ने हमारे नाम से लोन निकाला है और लोन निकाल के वो खुद उपयोग कर रहे हैं, हमको बहुत कम राशि मिली है और हमारे साथ काफ़ी सारा फर्जीवाड़ा हुआ है। जब उसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने मुकदमा कायम किया, अपराध पंजीबद्ध हुआ है बालक रन बेगा की रिपोर्ट पर। अमित जैन और उसके साथियों की तलाश की, उनको पकड़ा गया तो बहुत सारी चीज़ों का फर्जीवाड़ा सामने आया है, लगभग 20 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा हुआ है। ये अमित जैन अपने साथियों के साथ मिलकर, अपनी पत्नी के साथ मिलकर कंपनी बनाया हुआ था और उस कंपनी के माध्यम से ये बैंकों से, विभिन्न बैंकों से लोन पास करवाता था और लोन पास करवा के और उस लोन का उपयोग ये खुद करता था, वाहन दिलवाता था, वाहन का उपयोग खुद करता था और जो लोगों के नाम से लोन, जिनके नाम से दिलवाता था वो ज़्यादातर अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं और वो सब शिक्षक के पद पर हैं, जो सरकारी नौकरी पर हैं। जब उनके नाम से विभिन्न प्रकार की रिकवरी आई तो वो लोग ठगी के शिकार हुए, उनको सारी चीज़ों की जानकारी हुई तो उनने पुलिस को इंटीमेट किया। सर, ये भी जो अमित जैन है उसके साथ बरबर पुलिस द्वारा मारपीट गई, उसको मतलब बोलना है सर? ये तो सब गलत बात है, लेकिन ये बात सही है कि वो बहुत शातिर किस्म का व्यक्ति है, MBA किया हुआ है, LLB किया हुआ है, सारे हथकंडे वो जानता है, वो वही हथकंडे जो शिक्षक लोग थे उनके साथ उपयोग करता था वही हथकंडे वो सबके साथ कर रहा है, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पुलिस विधिवत कार्रवाई कर रही है, वैधानिक कार्रवाई। बैंक की भूमिका कहीं पे समझ में नहीं है। बैंक के संबंध में हम बैंक के कुछ ट्रांजेक्शन के हमको कागज मिले हैं और लगभग एक दिन में 100-100 बार ट्रांजेक्शन के कागज भी मिले हैं, तो हम अभी विवेचना में और PR के दौरान आरोपियों की PR लेंगे और विवेचना के दौरान हम इसमें बैंक की तहकीकात भी करेंगे कि बैंक से क्या क्या चीज़ों की क्या गड़बड़ी हुई है वो भी हम जांच करेंगे। बैंक स्टेट बैंक है, कियोस्क बैंक है, अपने सुंदरम बैंक है, बजाज फाइनेंस है, बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें कोई बैंक का कर्मचारी गिरफ्तार है? नहीं, अभी ये तो नहीं कह सकता मैं कि कर्मचारी शामिल हैं, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन में इसमें देखेंगे और अगर ऐसा कोई होगा तो कार्रवाई करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, अभी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को YouTube में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। नमस्कार।